Hello students, now in today's utilization of electrical energies lecture, we are going to study in unit 2 electrical heating and welding induction furnace. यानी कि आज के यूडब्ल्यू के लेक्चर में हम यूनिट 2 इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड वेल्डिंग में इंडक्शन फर्नेस के बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विच इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन फर्नेस. तो इंडक्शन फर्नेस है उसका वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा है. अगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो इस टाइप की जो फर्नेस है उसमें चार्ज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो इफेक्ट रहती है उससे करंट को प्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद इसके थ्रू हीट प्रोड्यूस की जाती है. इसके लिए ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है इसको यूज़ किया जाता है. जो चार्ज रहता है वो शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह बिहेव करती है. जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें करंट फ्लो करवाया जाता है और इसकी वजह से जो चार्ज रहता है उसमें करंट इंड्यूस होता है और इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. अब यहाँ पे ये जो हीट प्रोड्यूस होने का जो रेट रहता है वो अगर चार्ज के थ्रू जो पावर कंज्यूम होता है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है. अगर हम देखें कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो इससे अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी है तो इसके लिए जो चार्ज है उसका जो रेजिस्टर है उसका जो वैल्यू है वो कम होना चाहिए. यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस मस्ट बी लो, क्योंकि जो पावर है वो रेजिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है और जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए. अगर हम नॉर्मली देखने जाए तो जो मेटल्स होते हैं उसका जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू रहती है वो कम रहती है और इसकी वजह से उसका जो मेल्टिंग है और जो रिफाइनिंग रहती है वो इस टाइप की जो फर्नेस है यानी कि जो इंडक्शन फर्नेस है उसकी हेल्प से हो सकता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल. तो क्या होगा, जो चार्ज रहेगा चार्ज में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट रहेगी. इसकी वजह से करंट फ्लो होगा और करंट की वजह से बाद में हीट प्रोड्यूस होते हैं. जो ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है इसका यूज़ किया जाता है. जो चार्ज है वो शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह बिहेव करेगी. अब जो प्राइमरी है उसके अंदर अगर करंट को फ्लो करवाया जाए तो जो चार्ज है उसमें करंट इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगा उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. सो दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द इंडक्शन फर्नेस. अब यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो फ्रॉम द इक्वेशन P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, यानी कि अगर हीट प्रोडक्शन अगर हमें ज़्यादा रखना है तो इसके लिए जो चार्ज का जो रेजिस्टेंस है वो कम रहना चाहिए. वोल्टेज है उसकी वैल्यू ज़्यादा रहनी चाहिए और जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होनी चाहिए. सो दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द इंडक्शन फर्नेस.
Now, the types of induction furnace. तो इंडक्शन फर्नेस के अगर टाइप्स के बारे में हम देखने जाएं, तो उसके में जो कोर का यूज़ किया जाता है उसके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से टोटल दो टाइप के इंडक्शन फर्नेस होती है, कोर टाइप एंड सेकंड वन है कोरलेस टाइप फर्नेस। यानी कि कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखने जाए तो इंडक्शन फर्नेस कोर टाइप फर्नेस एंड सेकंड वन है कोर लेस फर्नेस। अब जो कोर टाइप फर्नेस है उसमें हॉरिजॉन्टल टाइप कोर टाइप फर्नेस एंड दूसरी आएगी वर्टिकल कोर टाइप फर्नेस। तो सबसे पहले हम कोर टाइप फर्नेस में हॉरिजॉन्टल टाइप फर्नेस जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो हॉरिजॉन्टल टाइप कोर टाइप फर्नेस एंड सेकंड हम देखेंगे कोर लेस फर्नेस। ओके, अब सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कोर टाइप जो इंडक्शन फर्नेस है अगर उसका हम डायग्राम बनाते हैं, ओके, तो ये जो है उसको हम बोलेंगे आयरन कोर। उसकी एक साइड पे एसी सप्लाई दिया जाता है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। यहाँ पे चार्ज को रखा जाता है, जिसमें चार्ज को रखा जाता है उसको हम बोलेंगे क्रूसिबल। तो अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है, उसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको ट्रांसफार्मर कोर की जो लिंब रहती है उसके ऊपर रखा जाता है। दूसरा जो लिंब है उसके ऊपर वी शेप की क्रूसिबल को
अरेंज किया हुआ होता है। जो भी ऑब्जेक्ट है या तो चार्ज है कि जिसको गर्म करना है, उसको इस क्रूसिबल में रखा जाता है। तो क्रूसिबल है वो फॉर्मर की तरह काम करता है, और चार्ज है वो सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम करता है। क्रूसिबल है वो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर पाए, इसलिए सिरामिक मटेरियल का बना हुआ रहता है। ज़्यादा टेम्परेचर मिल पाए इसलिए जो ट्रांसफॉर्मर का जो कोर है उसके जो डिज़ाइन है वो कम सैचुरेशन वाली रखी जाती है, और जो उसका सरफेस एरिया रहता है वो ज़्यादा रखा जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा हीट वो उसको मिल सकती है। अब उसका सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मर की जो आयरन कोर है, क्रूसिबल और प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसको सपोर्ट के साथ अरेंज किया जाता है। नाउ द वर्किंग। तो अगर हॉरिजॉन्टल टाइप कोर टाइप फर्नेस का अगर हम वर्किंग देखने जाएं, तो इस टाइप की जो फर्नेस है उसको वर्किंग कंडीशन में रखने से पहले जो क्रूसिबल रहता है उसके अंदर छोटे छोटे पीसीस के फॉर्म में चार्ज को रखा जाता है। ये जो चार्ज है वो सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम करता है, तो इसकी वजह से चार्ज है उसको ओपन कंडीशन में रखा जाता नहीं है, और इसके लिए इनिशियल कंडीशन में चार्ज के ऊपर पाउडर के फॉर्म में स्प्रे किया जाता है। यहाँ पे जो पाउडर यूज़ किया जाता है वो कंडक्टिंग मीडियम का रहता है। ओके, तो कंडक्टिंग मीडियम होगा उसका पाउडर है वो चार्ज के ऊपर स्प्रे करवाया जाता है। अब जब भी एसी सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग को दिया जाता है उस टाइम में अल्टरनेटिंग फ्लक्स है वो प्रोड्यूस होगा, बट ये जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, आयरन कोर में। ये जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी वाइंडिंग यानी कि चार्ज है उसके साथ लिंक होगा, और इसकी वजह से ईएमएफ चार्ज में इंड्यूस होगा। तो इसकी वजह से करंट है वो चार्ज में फ्लो होना शुरू करेगा, तो चार्ज की जो सरफेस रहेगी उसके ऊपर जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी, और इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। धीरे धीरे करके जो हीटिंग है वो पूरे चार्ज में स्प्रेड हो जाती है, और इसकी वजह से चार्ज मेल्ट हो जाएगा। चार्ज जब मेल्ट हो जाता है उस टाइम में बबल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। जब भी चार्ज मेल्ट हो जाता है उसके बाद
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्ज है उसमें स्टीयरिंग एक्शन शुरू हो जाती है और चार्ज का जो मिक्सिंग होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है इसकी वजह से चार्ज प्रॉपरली मिक्स होता है। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ हॉरिजॉन्टल कोर टाइप फर्नेस। अगर डिसएडवांटेजेस देखने जाए तो यहाँ पे जो क्रूसिबल जो यूज़ किया जाता है तो इसकी वजह से उसका जो शेप है वो डिफरेंट होने की वजह से जो प्राइमरी वाइंडिंग है और जो सेकेंडरी है दोनों का जो मैग्नेटिक कपलिंग रहता है वो बहुत वीक होता है। तो इसकी वजह से हीटिंग है वो बहुत स्लो होता है और टेम्परेचर भी कम मिलता है। मैग्नेटिक कपलिंग वीक होने की वजह से लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, पावर फैक्टर भी कम रहता है और इसकी वजह से एनर्जी कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर कम होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए लो फ्रीक्वेंसी सप्लाई का यूज़ किया जाता है और इसके लिए स्पेशल टाइप के जनरेटर का यूज़ किया जाता है और इसकी वजह से कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। फर्नेस को स्टार्ट करने के लिए चार्ज की कंप्लीट रिंग होनी आवश्यक है। क्रूसिबल का जो ऑड शेप रहता है उसकी वजह से प्रोडक्शन है वो डिफिकल्ट रहता है और इसकी वजह से इंटरमिटेंट सर्विसेज है वहाँ पे इस टाइप की इंडक्शन फर्नेस का यूज़ हो सकता नहीं है। तो अगर एप्लीकेशन के बारे में हम देखने जाएं तो इस टाइप की जो फर्नेस है वो मोस्टली अगर स्मॉल क्वांटिटी के जो मेटल अलॉयज रहते हैं उसके मेल्टिंग और रिफाइनिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ द वर्किंग कंस्ट्रक्शन डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल टाइप कोर टाइप फर्नेस। नाउ नेक्स्ट वन है कोर लेस फर्नेस। तो सबसे पहले हम कोर लेस जो फर्नेस है उसका डायग्राम देखेंगे। तो ये जो है वो बेसिक कंस्ट्रक्शन है कोरलेस इंडक्शन फर्नेस का। ओके, अब अगर एक कंस्ट्रक्शन हम देखने जाए तो यहाँ पे जो क्रूसिबल है उसका यूज़ किया गया है और क्रूसिबल का जो शेप है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखा जाता है। क्रूसिबल को बनाने के लिए थर्मल रिफ्रैक्टरी मटेरियल का यूज़ किया जाता है। जो प्राइमरी वाइंडिंग रहेगी क्रूसिबल की वो क्रूसिबल के अक्रॉस में वार्म की जाएगी। यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक कोर का यूज़ किया जाता नहीं है कि जिसकी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी करंट प्रोड्यूस हो।
प्राइमरी के अंदर ही करंट की जो वैल्यू है उसको ज़्यादा रखा जाता है। उसकी वजह से क्या होगा कि कॉपर लॉसेस की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि पूरा जो क्रूसिबल है उसके आसपास वाइंडिंग को वाउंड किया जाता है। ओके, ये जो आपको दिख रहे हैं वो कॉइल्स है, वो लो कॉइल्स, यानी कि पूरा जो क्रूसिबल है उसके आसपास ही वाइंडिंग को वाउंड की जाती है। तो इस तो क्या करना है कि जो सप्लाई हम देंगे तो करंट की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे, जितना करंट ज़्यादा होगा उतना कॉपर लॉस ज़्यादा होगा, और कॉपर लॉस ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से कॉइल का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो कॉइल है तो हमने देखा कि होलो कॉइल्स आर यूज्ड। तो होलो कॉइल्स क्यों यूज़ की जाती है कि जब भी कॉइल हीट पकड़ना शुरू करती है तो कॉइल को ठंडा रखने के लिए उसके जो बीच का हिस्सा है वहाँ से वाटर को सर्कुलेट किया जाता है। नाउ दी वर्किंग, तो जब भी एसी सप्लाई दिया जाता है तो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स है वो प्रोड्यूस होगा। ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स की वजह से एडी करंट है वो चार्ज के अंदर क्रिएट होता है। ये जो एडी करंट है वो चार्ज को गर्म करेगा, और तब तक करेगा कि जब तक चार्ज है उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच नहीं जाता, और इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से चार्ज में स्टीयरिंग एक्शन क्रिएट होती है। स्टीयरिंग एक्शन होगी, इसकी वजह से चार्ज है वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाता है, और जैसे ही चार्ज कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा तो चार्ज है उसको बाहर लाया जाता है। चार्ज को बाहर लाने के लिए हाइड्रोलिक मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे दो टाइप के पावर सप्लाई का यूज़ किया जाता है, और पावर सप्लाई है वो कितने टन की फर्नेस यूज़ हम करें उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 5 टन की कैपेसिटी अगर 5 टन की कैपेसिटी वाली अगर आर्क फर्नेस होगी तो जो पावर सप्लाई है वो 500 से लेके 1000 हॉर्स तक का होता है। और अगर स्मॉल लैबोरेटरी फर्नेस होगी तो 100 किलो वॉट्स या तो इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला पावर सप्लाई यूज़ किया जाता है। ये जो सप्लाई है उसको प्रोड्यूस करने के लिए मोटर जनरेटर सेट का यूज़ किया जा सकता है, इंडक्शन मोटर अल्टरनेटर सेट का यूज़ किया जा सकता है, वाल ऑसिलेटर का भी यूज़ किया जाता है। इस टाइप की जो यानी कि कोलेस इंडक्शन फर्नेस है उसका यूज़ मोस्टली स्मॉल साइज स्टील अलॉयज जो रहते हैं उसके लिए किया जाता है। इसके अलावा प्रेशियस मेटल्स है लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, इन सब के मेल्टिंग के लिए भी इस टाइप की इंडक्शन फर्नेस का यूज़ किया जाता है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द कोरलेस फर्नेस।